नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश किया और टैक्स को लेकर कई घोषणाएं की, जिसमें मिडिल क्लास वालों को मायूसी हाथ लगी तो वहीं कॉरपोरेट वालों को राहत मिली है। सरकार ने आयकर दरों या स्लैबों में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत के तौर पर 2 साल में अपने रिटर्न को अपडेट करने की अनुमति दी है। साथ ही सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स दरों में कटौती करने का फैसला किया है। इस बजट में कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% की टैक्स दर को घटाकर 15% करने का ऐलान और सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% करने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही इनकम बेस को भी 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ किए जाने की घोषणा की गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अब 15% टैक्स लगेगा। वहीं दूसरी ओर जहां टैक्स छूट की लिमिट 2.5 लाख से ऊपर करने की उम्मीद थी, उस पर भी निराशा हाथ लगी। नौकरी पेशा वर्ग इस बार के बजट में इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आखिरी बार टैक्स स्लैब में बदलाव 2014 में किया गया था। उस वक्त टैक्स छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई थी, यानी लगातार 9वें साल टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। 2.5 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगता है। हालांकि आयकर अधिनियम की 87A के तहत 12,500 रुपए तक की छूट दी गई है। इसका मतलब है कि दोनों ही विकल्पों में 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं चुकाना पड़ता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।